हेलो गाइस, वेलकम टू दी बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ रिशिका। तो बहुत सारे न्यूज़ आ रहे थे कि उनके एग्ज़ाम के जो डेट्स है वो क्लैश कर रहे हैं, मतलब लाइक कि NICL का पेपर है या फिर इंटरव्यू, जो भी आपके पेपर्स थे। आई नो कि बहुत ही बुरा लगता है जब पेपर क्लैश करते हैं, डेट मतलब जब एक साथ दो डेट पड़ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक एग्ज़ाम को छोड़ना, क्योंकि आज के डेट में एग्ज़ाम्स उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने एग्ज़ाम निकालना है ना। जाहिर सी बात है, जब तक एग्ज़ाम में बैठेंगे नहीं तो एग्ज़ाम निकलेगा कैसे। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ आई है SBI की तरफ से। आप चाहें तो मेंस के एग्ज़ाम के डेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एक लिंक दिया है जहाँ पे आप लिंक क्लिक कीजिए और अपना डेट आप चेंज कर सकते हैं, जो कि आपको पता है कि 25 फरवरी और 4 मार्च को पेपर है इसका। तो हालांकि ये चीज़ होता नहीं है, लास्ट टाइम भी IPS PO के टाइम आई थिंक RRB का इंटरव्यू पड़ा था, तो बहुत स्टूडेंट ने ये मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी उन्हें, एक पेपर को छोड़ना पड़ा था। बट ये बहुत अच्छा न्यूज़ आया है, आप जाके फटाफट जाइए और चेंज कर ही लीजिए, अगर आपका आप चाहते हो आपका डेट अगर साथ में आ रहा है तो। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ है यहाँ पे कि प्लीज़ नोट डैट नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्ज़ाम विल बी इंटरटेन्ड आफ्टर 9 AM ऑफ 23 फरवरी, मतलब 23 फरवरी को 9 बजे के बाद ये चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो आज 21 हो गया है और 23 की सुबह, ये नहीं कि आप भूल जाएं फिर बाद में आप सोचें कि काश मैं कर लेता। तो URL पे जाइए और जो भी इनके आगे के हैं प्रोसीड्यूर, जो भी छोटा मोटा होगा, आप फटाक से चेंज कर लीजिए। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी जाके चेंज कर लेगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है वो बोल रही है कि मैं जा रही हूँ 25 से अपना 4 मार्च करा लो। SBI है बाबा, या फिर कोई भी एग्ज़ाम है, इतने सारे गवर्नमेंट जॉब अगर ये निकाल रही है तो इन्हें इतनी अक्ल तो है ना कि पूरे के पूरे स्टूडेंट को थोड़ी कर देंगे। कुछ ऑथेंटिकेशन होगा, जाहिर सी बात है, लाइक कुछ जो भी प्रोसीड्यूर होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी का भी कर देंगे, एक जेन्युइन रीज़न है ना। और करते भी हैं, लास्ट टाइम भी मणिपुर में कुछ प्रॉब्लम्स जब आए थे तो ये सेंटर इन्होंने चेंज किया था। RRB के टाइम भी आई थिंक मणिपुर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था उस टाइम बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने अपने सेंटर को चेंज करने का ऑप्शन दिया था। तो इनको भी पता है कि स्टूडेंट को कितनी प्रॉब्लम होती है आज के डेट में, और भी इतनी बड़ी एग्ज़ाम अगर हो तो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।